Alright, welcome back to the channel, guys. हम लोग जा रहे हैं वालपाई. वो पैंजिम से अराउंड 50 to 51 किलोमीटर्स दूर है. अचानक से प्लान बना कि चलो निकलते हैं एक राइड के ऊपर, क्योंकि आज बारिश नहीं हो रही है और क्लाउड्स भी दिख नहीं रहे थे. अराउंड कुछ एक झुंड था ब्लैक क्लाउड्स का. उसके बाद सुबह थोड़ी बारिश हुई. एंड आफ्टर दैट ओहो पेट्रोल भराना है. ऐसा दीज आर द गाइस विद मी. चल छोट छोट डेस्टिनेशन ऑल पे ही है ना, तो इधर से निकलेंगे. और वो डेस्टिनेशन में नहीं जा रहे हम लोग. हाँ तो मुझे कैसे मालूम होगा. हम लोग वाल पे में और मेरा भाई रहे रिफाज तो उसके पास जा रहे हैं. ओके तो अभी पेट्रोल भरा लिया एंड कवर करना है अराउंड वो 35 किलोमीटर्स. इट्स जस्ट अ शॉर्ट राइड दो. इधर क्लाउड्स कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं यार. कभी भी बरसात हो सकती है. जब दो ब्रेड साथ में चलते हैं तो बस हार्ले डेविडसन की आवाज़ आती है. I need to check if it is actually hitting the tire. अबे नहीं यार, वो क्या बोलते हैं, वो अभी ने बोला था कि मेरा टायर टच हो रहा है. वो थोड़ा मार्क आ गया था साइड में ना, तो वो मैं चेक कर रहा था एक्चुअली में टच नहीं हो रहा है कि नहीं. हाँ क्या हुआ? अरे नहीं 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 टच नहीं हो रहा है. वो टायर पंचर हो गया था ना, तो उसकी वजह से क्या बोलते हैं, जब वो निकाल रहा था तो स्पिन कर रहा था ना टायर को, हाँ तो उसके ऊपर थोड़ा स्क्रेप आ गया वैसा. अराउंड मैंने कुछ एक हफ्ता पहले बाइक की सर्विसिंग करवाई और द सस्पेंशन ऑलरेडी स्टार्टेड मेकिंग नॉइज. क्या बताऊं यार, बस कोई प्रॉब्लम नहीं करनी चाहिए. क्योंकि जब मैं मुंबई राइड कर रहा था गोवा टू मुंबई, तब बाइक मक्खन की तरह चल रही थी. वो डैम. ओके इन केस इफ यू हैवंट वॉच्ड माय गोवा टू मुंबई राइड देन लिंक मैं दे दूंगा इधर कहीं पे, जाओ जाके देख लो. आई थिंक इधर होगा प्रॉब्ली, मोस्ट प्रॉब्ली. आई हेट दिस स्पीड ब्रेकर, इतने मोटे मोटे बना के रखते हैं. वेल टाइम हो रहा है अराउंड 11:33 एंड ब्रेकफास्ट की बात करें तो ब्रेकफास्ट घर से मैं तो करके आया हूँ, इन लोगों का पता नहीं. ये लोग जाएंगे कहीं पे करने के लिए ब्रेकफास्ट, नहीं तो आई थिंक सब करके आए होंगे क्योंकि इट्स प्रीटी लेट और सबके सब आधा घंटा लेट थे, वेट करना पड़ा. वेल मैं भी कम नहीं था, मैं भी 15 मिनट लेट आया था.
भाई पॉल्यूशन। आगे मेरा दोस्त है, अभी मन यू जिसने बोला कि मेरा टायर स्क्रेप हो रहा था बाजू से, तो मैं डर गया। तभी मैं पीछे रुका था और देख रहा था कि अगर कहीं टायर टच तो नहीं हो रहा है। अरे हाँ, नाम तो बताना मैं भूल गया। मेरे साथ है 3 पीपल ऑन अ बाइक, अभिमन्यु, जादू, दैट्स अ गुड क्लासमेट, बहन की तरह पूरी, माविया, अशरफ, इरफान, अलमास एंड मायरा। सो दीज आर द पीपल विद मी। और हाँ, तब तक एंजॉय करो, और क्या कर सकते हैं। राइट नाउ इरफान ने जो साइलेंसर डाल के रखा है वो गोल्ड स्टार है, और इट्स अ प्रीटी नाइस साइलेंसर, आवाज़ मस्त करती है, और जब एक्सेलरेशन छोड़ते हो तो बहुत बड़ी सूदिंग आवाज़ आती है, इट मेक्स अ पटाखा काइंड ऑफ साउंड। और मेरा है डॉल्फिन साइलेंसर, जिसका बेस तगड़ा है, आप लोगों को तो हरदम सुनाई देता होगा। काफ़ी लोग मुझे पूछते हो कमेंट सेक्शन में कि कौन सा साइलेंसर यूज़ कर रहे हो, आपको ये नकल गार्ड कहाँ से मिले, हैंडल बार एंड द साइड मिरर्स एंड द हेडलाइट। वेल, अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक करोगे तो मैंने स्टेप बाय स्टेप सबकी पर वीडियोस में सबको डिवाइड करके रखा हुआ है। जो भी पार्ट मैंने बाइक में इंस्टॉल किया है उनका, उन सब का मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है। इन केस यू वांट टू नो मोर अबाउट माय मॉडिफिकेशन ऑन माय बाइक, देन गो टू माय चैनल, स्क्रॉल डाउन एंड यू विल फाइंड दोस वीडियोस। इन केस आई विल गिव द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो इफ यू वांट टू चेक देम आउट गो फील फ्री टू चेक देम आउट। गाँव में पहुँच गए, गाँव में आई थिंक ये सांखले में, आई थिंक सो। इसकी तो बहुत शार्प था वो, इतना शार्प ब्रेकिंग, डैम। अच्छा वो ब्रेक शूज चेंज किया, इन्हें तो ठोकता यार। ओह गॉश, That is pretty fast. ये क्या चीज़ है? ओए बारिश देख बे, उधर बे, रुकते हैं इधर, रुकते हैं, भीग जाएंगे। हम लोग इधर से आए थे, इधर से ऐसे गए थे, चल चलते हैं। हाँ जो ओके, सो जिस स्पॉट पे हम जा रहे थे वाला प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि उधर कंक्रीट डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, अभी वाला रूट क्लोज्ड है, तो हम अभी उधर नहीं जा रहे हैं, एंड वी गोइंग टू सम अदर प्लेस। वो भी एक वाटरफॉल ही है पास में, कुछ अराउंड 7 to 8 kilometers अवे, नाम है आई थिंक सालेली, या सालेली वाटरफॉल।